मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, मैं जो कुछ भी हूं उसमें हरियाणा के भी बहुत बड़ा योगदान है। आज पूरा हरियाणा कह रहा है, फिर एक बार भाजपा सरकार, फिर एक बार। साथियों, आज जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान भी हो रहा है। ये मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लोग सुबह से ही वोट डालने के लिए कतारों में लग गए हैं। पहले चरण में जिस तरह जम्मू कश्मीर में वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा, वो भी दुनिया ने देखा है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की सराहना करूंगा, उन्हें बधाई दूंगा कि वो लोकतंत्र के इस पर्व में उतने उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। साथियों, भाजपा सरकार में हरियाणा आज खेती और उद्योग दोनों मामलों में देश के टॉप राज्यों में अपनी जगह बना रहा है। जब औद्योगिकरण बढ़ता है तो इसका सबसे अधिक फायदा गरीब को, किसान को और दलित को होता है। बाबा साहब आंबेडकर, जिन्होंने बाबा साहब आंबेडकर को पढ़ा होगा, न पढ़ा हो तो पढ़ ले, बाबा साहब आंबेडकर मानते थे कि दलितों के सशक्तिकरण में उद्योगों की बड़ी भूमिका होती है। वो देखते थे कि गरीब के पास, दलितों के पास, वंचितों के पास पर्याप्त जमीन नहीं होती। वो जानते थे बहुत से गरीब साथी भूमिहीन होते थे, खेत मजदूरी में अपनी जिंदगी काटते थे। इसलिए बाबा साहब कहते थे कि जब फैक्ट्रियां लगती है तो दलितों, वंचितों को अवसर मिलता है। इसलिए बाबा साहब दलितों से टेक्निकल स्किल सीखने के लिए कहते थे। भाजपा की नीति निर्णयों में, भाजपा के विचारों में आपको बाबा साहब की यही सोच दिखाई देगी। दलित और वंचित समाज को उद्योगों में अवसर देकर ही सच्चा सशक्तिकरण संभव है। साथियों, आज हमारे भारत में एक और चुनौती है जिस पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही बात करती है,
हमारे देश में खेत का साइज भी लगातार कम हो रहा है। जैसे जैसे परिवार बढ़ता है, जमीन के टुकड़े होते हैं, जमीन बढ़ जाती है, धीरे धीरे एक छोटा टुकड़ा बच्चों के नसीब आता है। आबादी बढ़ रही है लेकिन खेत छोटा हो रहा है। ऐसे में खेती से जुड़े सभी अर्थशास्त्री भी मानते हैं कि गांव में खेती के साथ साथ कमाई के दूसरे जरिए भी होने चाहिए। अकेली खेती पे गुजारा पूरे परिवार के लिए, और इसलिए हर मां बाप चाहता है कि एक बेटा खेती करेगा, दूसरा शहर में जाके काम करेगा। और इसलिए जब उद्योगों का विस्तार होता है तो उससे किसानों का जीवन भी बेहतर होता है। इससे किसान परिवार के बच्चों को भी अच्छी नौकरियां मिलती हैं, अच्छे अवसर मिलते हैं। और इसलिए साथियों, भाजपा खेती को भी बढ़ावा देती है, व्यापार कारोबार को भी बढ़ावा देती है।